विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टियों ने प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों पर चिंता जाहिर की और सदन में चर्चा कराने की मांग पर हंगामा करने लगे। एक विधायक तो स्पीकर के सामने कुर्सी पर चढ़कर नारेबाजी करने लगा। इससे पहले जैसे ही स्पीकर सदन में पहुंचे, विपक्षी दलों के विधायक हंगामा करने लगे। कुछ विधायक स्पीकर की कुर्सी के पास पहुंचे और नारेबाजी करने लगे। स्पीकर ने हंगामा कर रहे सदस्यों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और नारेबाजी करते रहे। हंगामे के दौरान एक विधायक वहां रखी कुर्सी पर चढ़ गया और स्पीकर के सामने पहुंचकर हंगामा करने लगा, जिसके बाद स्पीकर ने सदन को स्थगित कर दिया और वहां से चले गए। हंगामे में शामिल कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सीधे मुख्यमंत्री पर हमला बोल दिया। द मोरल रिस्पांसिबिलिटी इज ऑन द चीफ मिनिस्टर टू प्रोटेक्ट द लाइफ डिग्निटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन। बीजेपी नेताओं ने भी महिला पंचायत अधिकारी की मौत की जांच पर सवाल उठाए और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। सुमिता रानी के मारने के टाइम जो लोग थे, इन लोगों को अरेस्ट किया जाए 302 दफा में और इनको जेल भेजा जाए। अमेरिकी कंपनी वर्जिन हाइपरलूप 1 ने दुबई में चल रहे इंटरनेशनल मोटर शो में अपने पहले हाइपरलूप पॉड को पेश किया। कंपनी दुबई से अबू धाबी के बीच सुरंग के अंदर हाइपरलूप पॉड चलाने की योजना पर काम कर रही है। और इसी सिलसिले में कंपनी ने अपने पहले हाइपरलूप पॉड को दुबई इंटरनेशनल मोटर शो में पेश किया। इस दौरान मोटर शो देखने पहुंचे लोगों को हाइपरलूप में बैठने का भी मौका मिला। पॉड के अंदर लोगों के बैठने के लिए आरामदेह कुर्सियां लगाई गई हैं, जबकि सामने की दीवार पर मनोरंजन के लिए एक स्क्रीन भी है। वर्जिन हाइपरलूप बीते कुछ सालों से दुबई से अबू धाबी के बीच हाइपरलूप चलाने की योजना पर काम कर रही है, जिसके लिए रेगिस्तान में खास तरह की सुरंग बिछाई जा रही है। हाइपरलूप पॉड ऐसे ही एक सुरंग के अंदर चलाया जाएगा और घंटों का सफर मिनटों में ही पूरा कर लेगा, क्योंकि हाइपरलूप सुपरफास्ट सफर की एक नई तकनीक है, जिसमें पॉड आवाज की रफ्तार से भी तेज दौड़ता है। इसे बनाने वाली कंपनी वर्जिन हाइपरलूप 1 ने बताया कि हाइपरलूप पॉड दुबई से अबू धाबी के बीच दौड़ेगा, जिसके लिए दोनों शहरों के बीच सुरंग बनाने का काम जारी। सुरंग बन जाने के बाद पॉड उसके अंदर 1100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगा। दुबई से अबू धाबी की दूरी 139 किलोमीटर है, जिसे कार से तय करने में करीब 90 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन कंपनी का दावा है कि हाइपरलूप में यह सफर सिर्फ 12 मिनट में तय हो जाएगा। कंपनी ने यह दावा इस हाइपरलूप नेटवर्क के तैयार हो जाने के बाद उसमें हर घंटे 16,000 लोग सफर कर सकेंगे। पटना में कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों के लिए विरोध प्रदर्शन किया। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने कॉलेज में एनसीसी, स्पोर्ट्स और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मांग करते हुए कुलपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच छात्रों ने सड़क पर भी जोरदार हंगामा किया। उन्नाव में घर के बाहर बैठे एक बुजुर्ग की चेन छीन कर भाग रहे एक लड़के को इलाके के लोगों ने पकड़ लिया और फिर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। यूपी के बलरामपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 469 जोड़ों की शादियां करवाई गई। इस बीच मंत्री चेतन चौहान ने इस योजना की जमकर तारीफ की। कर्जा लेके शादी करते थे, विवाह करते थे, इस योजना के माध्यम से ये जो बड़ी समस्या थी, ये समस्या दूर हो गई। आगरा में छात्रों के दो गुटों में मामूली विवाद में जमकर मारपीट हो गई। सड़क पर हुए इस बवाल का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक आदमी की बाइक सरकारी बस से टकरा गई, जिसके बाद बस के ड्राइवर ने बीच सड़क पर आदमी की बेरहमी से पिटाई कर दी। यूपी के कानपुर रेलवे स्टेशन में जीआरपी ने शराब के नशे में ट्रेन में हंगामा करने के आरोप में एक आदमी को पकड़ लिया। इस बीच आदमी पर एक सिपाही से बदसलूकी का आरोप भी लगा। गार्ड वाला डिब्बा उसमें घुस गया था, गाड़ी चलने में अवरोध उत्पन्न कर रहा था। यूपी की योगी आदित्यनाथ